भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में विधायक और संसदीय दल के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की विभिन्न बैठकें आयोजित की गई। विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर आगामी 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई है। ये तय किया गया है कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंडल और जिला स्तर पर मनाया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए संगठन के माध्यम से तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का आगमन हुआ था और अलग अलग श्रेणियों की बैठकें आयोजित हुई है, जिसमें प्रारंभ में और अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ बैठक होने के पश्चात और हमारे कोर कमेटी के जितने भी आदरणीय सदस्यगण हैं और लोकसभा के हमारे इंचार्ज क्लस्टर इंचार्ज से लेकर लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारी और संयोजक इस तरीके से एक श्रेणी की वो बैठक हुई। उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सम्मिलित थे, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री संगठन और हमारे केंद्रीय अभी जो नवनियुक्त मंत्री हैं सभी इसमें सम्मिलित थे। और आगामी कार्य योजना और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वर्ष भर के कार्यक्रमों को लेकर चलती है। हमारे अभी 25 तारीख के जो आपातकाल दिवस से लेकर और हमारे युग पुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस से लेकर 6 तारीख तक का जो हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम है, उसमें हर कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, संगठन के कार्यक्रमों में सभी हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें और पूरे प्रदेश में अभी जिम्मेदारी तय भी होगी निश्चित रूप से इन कार्यक्रम योजना को लेकर। योग दिवस प्रमुख रूप से योग दिवस का 21 जून का जो कार्यक्रम है उसे हमारे पूरे संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय विष्णुदेव साई जी के निर्देश पर यह प्रशासन स्तर पर मनाया ही जाएगा योग दिवस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे मंडल स्तर पर जिला स्तर पर और योग दिवस को अच्छे से मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है, उसमें प्रभारी तय होंगे और सारे कार्यक्रम कार्य योजनाओं की विस्तृत चर्चा आदरणीय प्रभारी जी ने सभी से की। विधायकों को शाबाशी भी दी गई है क्या? स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही ऐतिहासिक विजय का क्षण है, जबकि इस लोकसभा में और 10 सीटों पर छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने और मतलब परिश्रम की पराकाष्ठा की है। इतने तपती दोपहर में गर्मी में भी सब लोगों ने रात दिन समन्वय बनाकर नीचे तक हमारे कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी के हैं, मंडल के हैं, जिला के हैं, मोर्चे के हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करके और रात दिन मेहनत किया है, उसके लिए भी सभी को बधाई प्रशंसा।